दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे दो शेयर की बात करने वाले हैं जो दोनों शेयर है एक ही चीज़ में काम करते हैं। ओके, और एक जो है एक शेयर उसने एक दूसरी कंपनी को अधिग्रहण कर लिया, मतलब उसे अपने खरीद लिया है, जिस वजह से उस शेयर पर शायद बर्डन आ सके। ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें बातें हम करेंगे, क्योंकि इस तरीके की मार्केट की न्यूज़ आ रही है कि वो शेयर डूब जाएगा, वो नहीं चलेगा, तो इस तरीके की खबरें आ रही है। तो मैं उस वीडियो को बनाना ज़रूरी था ताकि आपको इससे रिलेटेड न्यूज़ दे सकूं। तो आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आपको पता है कि डीमार्ट और रिलायंस दो दिग्गज शेयर हैं। ओके, और रिलायंस ने अभी 2 और 3 दिन पहले फ्यूचर ग्रुप, जिसे नहीं पता तो बताना चाहता हूँ, बिग बाज़ार, जिसने आपने नाम जरूर सुना होगा, तो बिग बाज़ार को रिलायंस ने खरीद लिया है। और बिग बाज़ार आपको पता ही है, बिग बाज़ार लाइफस्टाइल प्लस में बिग बाज़ार इनका FMCG का बहुत बड़ा कारोबार है। ओके, तो रिलायंस ने 24,700 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप को पूरे को खरीद लिया है। ओके, जिस वजह से लोग डर रहे हैं कि क्या एवेन्यू सुपरमार्केट को कोई थ्रेट तो नहीं है। ओके, एवेन्यू सुपरमार्केट डूब जाएगा, तो आज इससे रिलेटेड कुछ बातें हम करने वाले हैं। ओके, तो आपको बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट और रिलायंस दो बेहतरीन शेयर हैं, दोनों FMCG में काम करते हैं, और एवेन्यू सुपरमार्केट ऑलवेज से बहुत बड़ा रहा है, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रिलायंस जो है, आपको सभी को पता है, मिस्टर मुकेश अंबानी का है। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्केट जो है राधा कृष्ण दामानी का है। तो दोनों इंडिया के नंबर 1 और नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन है। ओके, राधा कृष्ण अंबानी दूसरे नंबर पे है, तो रिलायंस पहले नंबर पे है। बट रिलायंस जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहा है, ओके, जिस तरीके से वो पहले जियो में उतरा तो पूरी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे छोड़ दिया, इस तरीके से अब वो रिटेल में उतर रहा है धीरे धीरे, तो शायद वो एवेन्यू सुपरमार्केट को पीछे छोड़ दे। इससे रिलेटेड कुछ हम बातें करने वाले हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए कुछ न्यूज़ आ रही है, डज रिलायंस फ्यूचर ग्रुप यूनियन पोज अ थ्रेट टू एवेन्यू सुपरमार्केट। जैसे कि पता है कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का यूनियन हो गया, रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है, तो क्या एक थ्रेट हो सकता है एवेन्यू सुपरमार्केट के लिए? क्या एवेन्यू सुपरमार्केट बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? तो आइए देखते हैं। तो बताना चाहता हूँ, दोनों ही कंपनी जो फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण किया था वो FMCG से, और ये एवेन्यू सुपरमार्केट ये भी FMCG से रिलेट करती है। FMCG का मतलब मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ FMCG होता क्या है एज वेल एज कौन से बेहतरीन स्टॉक है FMCG के, मैंने वहाँ पर आपको दे रखे हैं। तो जैसे कि यहाँ न्यूज़ है, द डील अनेबल्स रिलायंस टू स्ट्रेंथन इट्स लीडरशिप पोजीशन इन द रिटेल मार्केट एंड widens the gap with other retailers such as Avenue and the Trend Limited. तो आपको बताना चाहता हूँ, जो Trend Limited और Avenue Supermarket है दोनों retail में ही काम करते हैं। ओके, इस तरीके से, बट Reliance भी धीरे धीरे retail के business में उतर रहा है, और already है भी, जिस वजह से क्या वो अपनी strength हो, Trend है टाटा का, ये टाटा का है, Avenue जो कि कपड़े से related काम करता है, Avenue Supermarket कपड़े as well as FMCG सेक्टर में काम करता है, और रिलायंस तो आपको पता ही है, रिलायंस का ट्रेंड्स के नाम से ऑलरेडी स्टोर्स है कपड़े से रिलेटेड, और धीरे धीरे आप एक ग्रॉसरी में भी आ रहे हैं, ग्रॉसरी के भी है बट इतने लार्ज स्केल पर नहीं है। बट इसने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है, तो आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर ग्रुप मतलब इसके बिग बाज़ार के लगभग 1600 से 1800 स्टोर्स ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया है। ओके, तो सीधे इसने खरीद लिया है, तो सीधा अधिग्रहण हो गया है, तो अब उन्हें रिलायंस के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो रिलायंस जो भी प्रॉफिट होगा वो रिलायंस के पास जाएगा। तो ये एक धीरे धीरे रिलायंस एक्सपेंशन किए जा रहा है, जिस तरीके से उसने जियो लाके अपनी टेलीकॉम सेक्टर में एक अपने आप को बड़ी बुलंदी पे पहुंचा दिया है, इसी तरीके से शायद फ्यूचर में वो अपने आप को इस तरीके से पहुंचा दे। तो आपको इन दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ओके, एक बार परफेक्ट पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एवेन्यू रन्स द डीमार्ट सुपरमार्केट चेन ऑफ स्टोर्स। तो जैसे कि पता है, एवेन्यू जो है, डीमार्ट के काफ़ी सारे स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया। कहाँ कहाँ पर है हम इसके बारे में बात करेंगे, और कितने स्टोर्स है उसके बारे में। तो द कंपनी हैज़ प्रूवन इज
इट्स एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड हैज एन अनबीएबल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड इन द एक्सट्रीमली टफ ग्रोसरी रिटेलिंग इंडस्ट्री। तो जो ये टफ ग्रोसरी रिटेलिंग का जो बिजनेस है, ओके, डीमार्ट ने अपनी कैपेबिलिटी को, अपने फाइनेंस को प्रूव करके दिखाया है कि हाँ भाई हम भी कुछ है। तो इवन सो अ लॉट लॉट कैन पोटेंशियली चेंज व्हेन अ लार्ज कॉम्पिटिटर बिकम्स इवन लार्जर। ओके, तो आपको जैसे पता ही है कि बड़ी बड़ी मछली जब आती है ना तो वो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो रिलायंस एक जाइंट है, ओके, बहुत बहुत बड़ा है, ओके, बहुत ज़्यादा इनके पास वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा कैश है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है, ओके। तो क्या ऐसा होगा कि ये रिटेल डीमार्ट को खा जाएंगे? तो द कंसिडर स्केल दैट रिलायंस रिटेल विल एन्जॉय वुड ऑल्सो इंक्रीज इट्स बार्गेनिंग पावर विद सप्लायर्स लाइक FMCG। तो आपको बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट के जो स्टोर्स है, कुछ ज़्यादा खास स्टोर्स नहीं है, 196 स्टोर्स है 31 दिसंबर 2019 तक जो रिपोर्ट है, 196 स्टोर्स है, ओके, 72 सिटी में और 11 स्टेट में। बट जो ये फ्यूचर ग्रुप के जो बिग बाजार के स्टोर्स है वो लगभग लगभग 1600 स्टोर्स है, 1600 से 1800 स्टोर्स है, एज वेल एज रिलायंस के खुद के बहुत बड़े बहुत ज़्यादा स्टोर्स है और पूरे इंडिया को कैप्चर कर रखा है। ओके, तो रिलायंस का भी फ्यूचर में एक अलग ही तरीके का प्लान है कि वो केवल सिटीज़ में नहीं इवन गांव में जाके, जिस तरीके से रिलायंस जियो आया था, ओके, और उसने पूरी पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, ओके, और 40 करोड़ से ज़्यादा इसके अभी कस्टमर है। ऐसे ही रिटेल में आके वो इस तरीके से पूरे के पूरे बिजनेस को केवल शहरों में ही नहीं गांव में भी जाके अलग तरीके से एक्सपेंड करके, ओके, शायद अपने आप को बहुत बड़ा बना ले, एक मोनोपोली क्रिएट कर दे इस बिजनेस में भी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाए, बट आपको बताना चाहता हूँ जो इसके डीमार्ट के जो स्टोर्स है 11 स्टेट में, ज़्यादा अभी स्टोर्स है भी नहीं, बट अगर डीमार्ट भी अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया तो ये पीछे नहीं हटेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि कंपेरेटिवली एवेन्यू सुपरमार्केट्स में, मार्ट्स में, मतलब डीमार्ट में रिलायंस और बिग बाजार से काफ़ी सस्ता सामान मिलता है, ओके। अब जो लोग इनके जाते हैं उन्हें पता है, ओके, और बहुत ज़्यादा इनमें भीड़ भी लगी रहती है। बट इस पेंडेमिक में इनका बिजनेस थोड़ा खास चला नहीं, क्योंकि स्टोर्स वगैरह सभी बंद थे और जो खुले थे वो एक प्रॉपर टाइमिंग पे ही खुले थे, प्रॉपर टाइम सेट कर रखा था। बट जो डीमार्ट है वो एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इनके स्टोर्स हैं लोग जाना पसंद करते हैं, ओके, ज़्यादा स्टोर्स हैं नहीं, ओके, बट फिर भी इनका बिजनेस आगे चलने वाला है और बहुत बेहतरीन इनका बिजनेस प्लान भी है। और बड़े बड़े दिग्गजों ने इनके प्लान्स को सल्यूट भी किया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि डीमार्ट के बिजनेस में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुछ इनके ज़्यादा स्टोर्स है भी नहीं, और ज़्यादा स्टोर्स होते भी तो पीपल वुड लाइक टू गो देयर, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे सामान लेना और काफ़ी सस्ते में सामान मिल जाता है सीधा, ओके, जो मार्केट में 100 रुपये की चीज़ है वो आपको 80 रुपये 70 रुपये और प्लस में ऑफर पे ऑफर इस तरीके से आपको मिलते रहते हैं कि आप डीमार्ट से ही सामान लेना पसंद करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ इफेक्ट फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा, और मिला भी तो कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही मिलेगा। और अवेन्यू सुपर मार्केट इंडिया के दूसरे से रिचर पर्सन की है, तो वो अपनी बिजनेस को इस तरीके से डूबने तो देगा नहीं, ओके। राधाकृष्ण दमानी जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ उनके प्लान्स होंगे जो बहुत जल्दी वो शायद एग्जीक्यूट भी करें। तो आइए शेयर की तरफ देख लेते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम देखिए 616 पे ये लिस्ट हुआ था 2017 में, तो देखिए किस तरीके के बेहतरीन 3 साल में लगभग लगभग पैसे को आपको 3 और 4 गुना इसने कर दिया है, 2500 रुपये तक ये गया था। बट ये पेंडामिक है इसलिए आपको नीचे दिख रहा है, वरना ये भागे जा रहा था इस पेंडामिक से पहले, मार्च से पहले। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये, तो आप इसी तरफ नज़र बना सकते हो। एज वेल एज रिलायंस की बात की जाए तो लगभग 2000 रुपये का ये शेयर है, ओके, बट इसमें ऑयल का बिजनेस इनका और जियो एज वेल एज रिटेल तीनों के तीनों इंक्लूड है, ओके, रिटेल का कोई अलग से पर्सन शेयर नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर ग्रुप का उनका उधर शेयर है, ओके। अगर आप चाहेंगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि फ्यूचर ग्रुप को लिया जाए, ओके, या फिर रिलायंस को लिया जाए, इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि अलग से कि कौन सा लिया जाए, कौन सा शेयर लिया जाए कि हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो, तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अभी हम डीमार्ट और इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो आप दोनों में ही इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा आपका। ओके, और दोनों ही कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने वाली है, दोनों ही कंपनी काफ़ी बेहतरीन कंपनी भी है। तो आप जाके इसमें देख सकते हैं, अपने एडवाइज़र से भी एक बार पूछ सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो और आपको ये पता चल गया हो कि क्या क्या है, तो डेफिनेटली हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट करिए अगर आप फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस में से किस शेयर को खरीदना अगर ये चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि शेयर बाजार से रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।